Little Learners, I am Nabila Bashir and I welcome you to Gohar Publishers. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear students, इस वीडियो में हम गोहर ग्रेस इंग्लिश प्ले ग्रुप एज 3+ का पेज नंबर 13 देखेंगे और इस पेज पे हम देखने वाले हैं लर्निंग टाइम means we are going to learn some new words. So let's see what do we have on page number 13. Okay students, तो ये है हमारा पेज नंबर 13 और इस पेज पे हम क्या करने वाले हैं? It's our learning time. So learn the names of some animals and some birds. इसका ये मतलब है कि इस पेज पे हम कुछ animals और कुछ birds के names सीखने वाले हैं. और आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो लेटर्स हम ऑलरेडी सीख चुके हैं जैसे कि ए बी सी और डी ये सब एनिमल्स और बर्ड्स इन्हीं लेटर्स से बनने वाले हैं तो आपने गौर करना है कि कौन सा एनिमल या बर्ड किस लेटर से स्टार्ट हो रहा है चलिए देखते हैं सबसे पहले हमारे पास कौन सी पिक्चर है इट्स एन एनिमल एंड व्हाट इज द कलर इट्स ब्राउन So it's a buffalo. It's a brown buffalo. It's a brown buffalo. So what is the beginning sound of buffalo? It's B. It's letter B. Means buffalo is starting. Yani buffalo kisse shuru ho raha hai? Letter B se. Aur next picture kya hai? It's a chick. What is a chick? Yani chick kya hoti hai? Baby chicken ko kehte hain chick. और what is the color of chick? Yellow. और chick किस letter से start हो रहा है? C से. Very nice. और इसके बाद क्या है? Donkey. What is the next picture? Donkey. तो गौर करें कि donkey का first sound क्या है? D. Very nice. और next picture देखें. ये animal बहुत interesting लग रहा है. मुझे तो इसका नाम पहले से नहीं आता था क्या आपको इसका नाम आता है व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एनिमल इट्स आर्मेडिलो लिसन टू मी वेरी केयरफुली इट्स आर्मेडिलो आर्मेडिलो और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको इस एनिमल के बारे में इसकी बॉडी के ऊपर शेल्स होते हैं क्या होते हैं शेल्स होते हैं और ये ओनली मैमल है जिसकी बॉडी के ऊपर ऐसे शेल्स होते हैं और ये इसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं क्या करते हैं प्रोटेक्ट करते हैं और इसीलिए इसका नेम है आर्मेडिलो यानी आर्म्ड से ओके सो आर्मेडिलो किस साउंड से यानी किस लेटर से स्टार्ट हो रहा है ए से और उसके बाद हमारे पास क्या है डव और डव क्या है एक बर्ड है डव क्या है एक बर्ड है और डव किस लेटर से स्टार्ट हो रहा है डी से और आपको डव के बारे में मैं एक बात बताऊं डव जो है इट्स सिंबल ऑफ पीस मतलब ये अमन की इलामत है और उसके बाद हमारे पास क्या है कैट और कैट किस लेटर से स्टार्ट हो रहा है वेरी नाइस लेटर सी से कैट वेरी नाइस अब आप ये करें कि इन पिक्चर्स को दोबारा से गौर से देखें और इनके बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात बताने लगी हूँ कि बफलो चिक डोंकी एंड कैट ये सब क्या है फार्म एनिमल्स हैं क्या है फार्म एनिमल्स या फिर इनको हम टेम एनिमल्स भी कहते हैं और हम इनको पेट एनिमल्स भी बोलते हैं यानी ये वो एनिमल्स हैं जिनको हम अपने फार्म पे रख सकते हैं या एज अ पेट भी रख सकते हैं और डव इज़ अ बर्ड तो ये तो ज़ाहिर है फ्लाई करती है नॉर्मली इसको हम केज में नहीं रख सकते और आर्मेडिलो को तो कभी भी कोई अपने घर में नहीं रखता ओके स्टूडेंट्स तो हमने पेज नंबर 13 पर कुछ बर्ड्स और एनिमल्स के नेम्स सीखे हैं अब आप क्या करें एक बार मेरे साथ फिर से रिवाइज कर लें बफलो चिक डोंकी आर्मेडिलो डव एंड कैट अब इस वीडियो के बाद आप क्या करेंगे किसी की हेल्प के साथ इसको फिर से रिवाइज करेंगे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो अल्लाह हाफिज़